किसान अंदोलन को लेकर जिथे अज सारा मुल्क सारा देश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरा उ भारतीय जनता पार्टी वालों मंदिर प्रधाना की चोण करके विस्तार किया गया है। फतेहगढ़ साहब साढ़े नाल जिला प्रधान गर्ग जी साढ़े नाल मौजूद हैं, उन्होंने गल करते हैं कि आने वाले दिनों की प्लानिंग है, भाजपा की प्लानिंग है, जिन्हों वालों मंडल प्रधान की नियुक्ति की गई है। स्वागत है प्रधान जी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रधान जी, अब मंडल प्रधान की नियुक्ति की है, एक पास सारा देश भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, तुसी नियुक्ति कर रहे हो, तो की रणनीति है अगली? थोनू किने कहता सारा देश उतरिया होया? बिल्कुल नहीं उतरिया होया, कोई ऐसी गल नहीं। लोकतंत्र है, साढ़े देश एक लोकतंत्र है, वो व्यवस्था है। जे किसी ने कोई फैसला नहीं वधिया लगता वो अपना प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। पर उरे जो पंजाब च अंदोलन चला रहा है, चलाया जा रहा, वो इत्थे दी कांग्रेस पार्टी वालों सिर्फ प्री प्लैंड अंदोलन आ वो चलाया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का काम निरंतर जारी है, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन मजबूत करन दा काम निरंतर जारी है। भारतीय जनता पार्टी 2022 दियां इलैक्शन 117 दी 117 सीटां ते लड़ूगी, और मैं थानू अज पूरी जिम्मेवारी नाल कहना भी सब तो बड़े दल दे रूप च भारतीय जनता पार्टी इत्थे जित के आऊगी। ये जिन्ना मर्जी कांग्रेस पार्टी दबाउण दी कोशिश कर लवे, और जो ये हऊआ फैलाण जा रही है सानू ये भुलना नहीं चाहिए। जो पहला अत्तवाद आया सी उस वक्त की सरकार सी, कांग्रेस की सरकार सी, अज फिर कांग्रेस गंदिया चाला चल रही है, पंजाब दे लोगां नू हिंदू सिख नू लड़ाउण दी कोशिश कर रही है। प्रधान जी, की कारण है वी आ जिहड़ियां पार्टियां वाले जां अकाली दल ने तुहाडे नाल नाता तोड़िया, कारण की है? अकाली दल दा अपना राजनीतिक उह है, उहनां नू लग्गिया भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, सानू किसे ने पुछना नहीं है। उहनां नू लग्गिया भी मैं किसानां दे नाल खड़ा हो जूंगा जाके, जद के पिछले जद तो ये जिहड़ा अपना किसान जिहड़ा बिल है एग्रीमेंट थी उहनां दी सारी सहमति दे नाल होया, और थोड़े याद होना प्रेस भाइयों नू प्रेस पत्रकारों नू ये सारा याद है, जद इन्हां ने कहा भी MSP दी गल कीती भी MSP टुटन जा रही है, मंडी टुटन जा रही है, तो इन्हां ने कहा लिखा के दो, ये बकायदा लिखा के लै के केंद्रीय मंत्री जी तो, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने चिट्ठी दित्ती, और सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने उरे पंजाब दे विच आके चिट्ठी ऐ दिखाई सी भी आ देखो जी इहदे ते लिखिया होया ये तो MSP टुटूगी नहीं, ये किसान मंडियां बंद नहीं होणगियां, हुण सानू कोई शंका नहीं। सुखबीर सिंह बादल ही कहा सी ना, केंद्रीय मंत्री दे लिख के आउण तों बाद कहा सी, बाद च इहनां दा अपना राजनीतिक हित है, क्योंकि अकाली दल दी पोजिशन बड़ी माड़ी है। हुण मैं ज़्यादा कुछ ना कहिंदा होया कि आउण वाले समें च भारतीय जनता पार्टी सब तो बड़े दल दे रूप दे विच उभर के आऊगी, और पंजाब दे विच जिहड़ी अगली सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की अगवाई बनेगी। 2022 की चोणां भी नज़दीक ने, उहदे लई की तैयारी है भाजपा दी? भाजपा तुहानूं दस रहे हैं भी आ देखो उहदी तैयारी चल रही है, असीं मंडल प्रधान बनाए ने, साडा बूथ स्तर तक जिहड़ा गठन हो चुका है, और बूथ स्तर तक असीं एक एक बूथ ते भारतीय जनता पार्टी की टीम तैयार है, क्योंकि ये लोगों नूं भुलना नहीं चाहिए, कांग्रेस नूं भुलना नहीं चाहिए, अकाली दल नूं भुलना नहीं चाहिए भी भारतीय जनता पार्टी कहिंदे ने 23 सीटां ते लड़दी है, 23 ते नहीं लड़दी, 117 ते लड़दी सी, 23 ते कमल दे निशान ते लड़दी थी, और 94 ते जिहड़ा अकाली दल दा साडा भाईवाल पार्टी दे सिंबल ते लड़दी सी। अगे इलैक्शन असीं अकाली दल पिछे लड़दे सी, हुण अपने पिछे लड़ांगे, भारतीय जनता पार्टी दे कार्यकर्ता पिछे लड़ांगे। किसानी अंदोलन नूं लै के जिहड़ियां आपणे आगू ने उह छड्ड के जा रहे ने भारतीय जनता पार्टी नूं, दूजियां पार्टियां जॉइन कर रहे ने, उहदा कोई इफेक्ट नहीं होएगा? देखो राजनीति च उठा पटक हुंदी आ, जद इलैक्शन नेड़े आउंदी आ उहदे च बहुत लीडर जांदे भी ने, बहुत आ भी रहे ने, जिन्ने क जा रहे ने उहदे नाल 10 गुणा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर रहे ने, ये चलते ही रहना, एक खास गल नहीं। आखिरी सवाल, हाँ जी, तुहाडे जिहड़े साबका मंडल प्रधान ने दोष लाए सी वी जिहड़ा प्रधान आ उहदे कोल काम नहीं संभाला जांदा, जदों कोई उहनूं काम दिंदे आ तो अगले काम लई स्टैप पट लैंदे ने, लेकिन पिछला काम पूरा नहीं कीता जांदा, कोई उहदे बारे तां मंडल प्रधान ही दस सकदा, मैं तां नहीं दस सकदा, मैं तां मेरा काम बोलदा। उत्तों ही असी गल करते हाँ नवनियुक्त प्रधान अंकुर शर्मा नाल भी, उन्होंने नवी अहुदेदारी मिली है, अज अहुदेदारी तो बाद अज अगला उन्होंने स्टैप की होगा, स्वागत है जी थोड़ा अंकुर जी। भारत माता की जय। अज तुम नवी अहुदेदारी मिली है, की स्टैप होगा थोड़ा अगला? मैं विश्वास दवाने अपने जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप गर्ग जी का कि जो भी भारतीय जनता पार्टी मैनू जिम्मेवारी अच्छी सौंप रही है, मैं अपनी पूरी ईमानदारी नाल वो जिम्मेवारी निभावांगा। साडा इको ही नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उत्थे ही साडे नाल खमाणों तो मंडल प्रधान दीपक जी साडे नाल हुण उहनां नाल गलबात करदे हां, उन्होंने भी अज नियुक्ति पत्र मिलिया है, नियुक्ति मिली है,
ਦੀਪਕ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੀ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਅਹੁਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅਹੁਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਗੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਏ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਓ ਆ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੰਦ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਖਮਾਣੋ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।